नमस्कार, स्वागत है आपका HBN 24 न्यूज में। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल। जैसे कि अभी अभी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कि आदमपुर उपचुनाव को भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जी 16,600 वोटों से जीत चुके हैं। तो भव्य बिश्नोई जी भाजपा उम्मीदवार को हमारी तरफ से बधाई हो। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि आदमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जी, जी हाँ, मैदान से भागने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिश्नोई समर्थकों का मानना है कि जयप्रकाश जी कोहली के अंदर नहीं डटेंगे, आदमपुर के अंदर नहीं डटेंगे, वो कलायत जाकर डटने वाले हैं। यानी कलायत की बस पूरी तरह से तैयार है, जो उनको आदमपुर से कलायत ले जाकर छोड़ देगी। जी हां, जब इस बात पर जयप्रकाश जी से सवाल किया गया तो जयप्रकाश जी ने कहा कि वो आदमपुर में रहेंगे, 2024 में कांग्रेस पार्टी आदमपुर के अंदर सरकार बनाएगी। लेकिन इसके बारे में जनता क्या सोचती है, जनता का क्या मूड है, तो हमारी इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। और चौधरी भव्य बिश्नोई की जीत को लेकर 16,600 वोटों का जो आंकड़ा है, इसको लेकर आपका क्या मानना है, आप कमेंट कीजिए। और 2024 प्लान के बारे में जनता क्या चाहती है, इसको लेकर भी आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, जुड़े रहिएगा। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल, कैमरामैन सतपाल झंडा के साथ, जय हिंद।